लखां लोग इकट्ठे होए ने, लगता है कि केंद्र सरकार इस रैली नाल हिलूगी, पंजाब की सरकार भी डोलूगी, तो हिंदुस्तान की सरकार है जी वो भी पूरी तरह डोलूगी क्योंकि काले कानून उन्होंने वापस लेने पैणगे। मैं पहली बार इस रैली में आई है तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि मैं इस रैली का हिस्सा बन चुकी हूँ। किसान अपने एक अन्नदाता है गाया, जे किसानों तो अपने सड़कों पर रोलोगे तो तुम अन्न कितों मिलेगा, तुम रोटी कितों मिलेगी। अभी ये सोच के पहुंचे कि जो भी ये चीज चल रही, काले कानून चल रहे, ये बहुत सारे गलत कानून ने, ठीक है, जे ये सही होंगे तो सामने क्यों आने लोड़ ही नहीं होनी सी। किसान की जो किसान जो खेती स्थिति जिंदा वा, जमीन चट की गहना होंगी जी, वो उ चले क्यों कितों खाऊगा। संघर्ष कमेटी वालों जिथे पंजाब दे विच रोस रैलियां कीतियां जा रही ने, उत्थे ही अज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों अमृतसर की भगतां वाला मंडी दे विच वड्डी तादाद दे विच रैली की जा रही है। तुसीं तस्वीरां वेख सकते हो, लखां दी तादाद दे विच अज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों इकत्तर किए हुए किसान मजदूर व्यापारी रेहड़ी फड़ी वाले हर तरह के जिहड़े लोग ने इस रैली दे विच शामिल होए। तस्वीरां तुसीं अमृतसर की भगतां वाला मंडी दियां वेख सकते हो जिथे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों रैली की जा रही है। तुसीं वेख सकते हो किस तरह औरतों का बीबियों का इकट्ठ ठाठा मारदा नज़र आ रहा। सो जिथे खेती कानूनों के खिलाफ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी लंबे समय तो संघर्ष कर रही है, उत्थे ही अज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों वड्डी तादाद दे विच जिहड़ी आ उह रैली की जा रही है। साडे नाल किसान आगू ने गलबात करांगे, अज रैली की जा रही है, की कहना चाहोगे। देखो जी, अं अज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे अमृतसर जिले की जी विसार रैली करनी चाहते स, जो असं लखा का इकट्ठ करना चाहते सो तो कित सोच तो वह जो इकट्ठ हो चुका ने, क्योंकि साढ़े नाल मातावान भैन ने, नौजवान ने, दुकानदार आढ़तीए सारे आण के बैठे ने, तो इस रैली में जोड़ा वा कामयाब अं समझते हैं। लगता है कि अमृतसर जिले में पहली रैली है जिसे लखा लोग इकट्ठे हुए हैं, लगता है कि केंद्र सरकार इस रैली नाल हिलूगी। देखो जी, ये गल मन वाली आ, पहली बार जिहड़ा वा एडा वड्डा इकट्ठ होया, कदे पंजाब दे विच एक बार जिहड़ा इकट्ठ करीदा ते एडा होईदा हैगा, हुण जिलियां दे विच हो रहा, अमृतसर दे विच लखां तों वध इकट्ठ अज हो रहा वा, ते असीं इह पंजाब दी सरकार भी डोलूगी, ते हिंदुस्तान दी सरकार है जिहड़ी उह भी पूरी तरह डोलूगी क्योंकि काले कानून उहनां नूं वापस लैणे पैणगे। रैली दे विच तुसीं वेख सकदे हो वध चढ़ के महिलावां उह वी पहुंचियां होईयां ने, वड्डी तादाद दे विच जिहड़ियां महिलावां इस रैली दे विच शामिल होईयां ने। सो होर गलबात करांगे, अज रैली दे विच पहुंचे हो, की कहना चाहोगे। जी, मैं पहली बार इस रैली में आई है तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि मैं इस रैली का हिस्सा बन चुकी हूँ, तो मैं ये लगता है कि सानू सारियां किसानां नाल रलना चाहिए है, उन्होंने योगदान पाना चाहिए है, क्योंकि कल्ली किसान की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई हैगी है। किसान अपना एक अन्नदाता है, जे किसानों तुम अपने सड़कों पर रोलोगे तो तुम अन्न कितों मिलेगा, तुम रोटी कितों मिलेगी। 26 तरीक की घटनाक्रम तो बाद नौजवानों ने काफ़ी जो अपना पैर पछाण खुच लिया, लगता कि नौजवान फिर एक बार पहला वाग जुड़नगे। हाँ जी, जरूर जुड़न भावे वो थोड़े डर गए ने, पर उन्होंने पता है कि यह सिर्फ एक किसान की एक कॉन्सपिरेसी है सरकार की, कि ताकि जेडे अपने जेडे नौजवानों तो अलग किया जाए, पर इतना बिल्कुल नहीं होगा, जेडे किसान अपने जेडे नौजवान है वो भी जरूर आएंगे। होर भी महिलावां ने गलबात करांगे, अज किसानी अंदोलन दे विच पहुंचे हो, की मंशा लैके पहुंचे हो, की सोच के पहुंचे हो। अभी ये सोच के पहुंचे कि जो भी ये चीज चल रही, काले कानून चल रहे, ये बहुत सारे गलत कानून ने, ठीक है, जे ये सही होंगे तो सामने इतने आने की लोड़ ही नहीं होनी सी। ये सब नूं पता कि चीज गलत हो रही है, ठीक है, ता ही इतने एकजुट होए हैं, ठीक है ना। किसान की जो किसान जो खेती स्थिति जिंदा वा, जमीन चट की गहना होंगी जी, वो उही चले कितों खाऊगा, ठीक है। असं यही कहने किसान मोदी को मांग है कि जल्दी जल्द ये काले कानून वापस लैन, ता जो किसान तस्वीरां वेख सकते हो अंदोलन दियां, किस तरह किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों जिहड़ा वड्डे पद्धर ते अज अमृतसर दी भगतां वाला मंडी दे विच रैली की जा रही है। सो लोगों का कहना है कि इस तरह ही रैलियां पंजाब दे विच कीतियां जाणगियां जिन्ना चिर केंद्र की सरकार ये तीन खेती कानून रद्द नहीं करती, उन्हां दा संघर्ष इस तरह जारी रहेगा। कैमरामैन अशदीप जगतार सिंह माला, स्काई न्यूज़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, अमृतसर।